अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से इस सरकार को बधाई देता हूं, आदरणीय हेमंत जी को बधाई देता हूं। और आपको याद होगा कि 29 दिसंबर 2019 को जब पहली बार आदरणीय हेमंत जी शपथ ले रहे थे तो 50 विधायक इनके साथ थे। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। कोरोना के काल आए तो जो बातें चर्चा होती रहती है, लेकिन केवल कोरोना के काल को छोड़ दें तो शेष समय में कभी इन्होंने स्थिर रहने दिया नहीं। एक स्टेबल सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास किया, एक काम करने वाली सरकार को नाकाम करने का प्रयास किया, और ये पूरी दुनिया जानती कि इनकी फितरत रही है ऐसी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने सुना होगा उस ऑपरेशन लोटस की बात, एजेंसी पकड़े हुए हैं कि जो अच्छी सरकारें हो, विरोधी सरकारें हो, उसे अस्थिर करो, काम करने मत दो, और काम करे भी तो उन कामों को भी कोर्ट या अन्य माध्यमों से बाधा पहुंचाओ। और इसके प्रमाण है इस ऑपरेशन लोटस में ये ईडी सीबीआई तमाम चीजों को उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम है कि आज चुनी हुई लोकतंत्र की दो मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। अभी सुदेश जी कह रहे थे कि सरकार के कारण ये परिस्थिति नहीं, सरकार के कारण नहीं, ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की जनित परिस्थिति है जिस कारण ये उत्पन्न हुआ है। और ये तो साफ हो गया जब माननीय उच्च न्यायालय के जमानत के जो ऑब्जर्वेशन सामने आए अध्यक्ष महोदय, उस ऑब्जर्वेशन में ये बातें आ गई कि यह जो हेमंत जी पर आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप है, यह आरोप कपोल कल्पित काल्पनिक है। अब इससे आगे बचता कहा है बातें अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आगे इन चीजों को कहूं। अध्यक्ष महोदय, देखिए, इन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार कहां है? ये भ्रष्टाचार की कहानी बोलते हैं, मैं तो बोलता नहीं। मैं आज 2-3 किताबों को लेके आया हूं। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये किताब किनकी है? लिखा हुआ है तिजोरी की चोरी, सरजू राजी की एक किताब है, उसके ऊपर के पन्ने को लेके आया। किसने लिखा? देश के इतिहास में, आप मेरी 2 मिनट में बात समाप्त करता हूं अध्यक्ष महोदय, देश के इतिहास में आप बताएं कि किसी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री सरकार के विरोध में भ्रष्टाचार की कहानी लिखती हो। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और दूसरी किताब में लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, ये बाबूलाल जी का हंसता हुआ चेहरा है, ये है दूसरी किताब, ये 22 पन्ने की किताब है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पर 46 आरोप है भ्रष्टाचार के। जरा इसको आप पाठ बनाए, आपको भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है? ऐसे लोगों को अध्यक्ष महोदय, इनके नेता के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, इनके नेता के आरोप है अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं कहता। अध्यक्ष महोदय, इन्हें भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए वो सब जग जा ही रहे। एक एक काम, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कर्जे माफी, 200 यूनिट बिजली की माफी, सर्वजन पेंशन योजना, 21 वर्षों से महिलाओं को पेंशन मिलेगा, आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा नहीं? आपने क्या किया? इस किताब में लिखा हुआ है कि सीएनटी और एसपीजी को आपने कहा कि भाई उसमें कैसे हम संशोधन करें। अध्यक्ष महोदय, ये तमाम चीजें मैं जानता हूँ कि समय कम है, इसलिए मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, अंत केवल कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, केवल अंत कर रहा हूँ ये कहते हुए। अध्यक्ष महोदय, अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब इन्हें राम पर भरोसा था, भगवान राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अयोध्या में ऐसा तमाचा लगा कि अब राम का भी नाम ये नहीं लेते। अब जय जगन्नाथ पर आए हैं मजबूरी में। जय जगन्नाथ कहता है, भगवान राम को भी ये भूल गए।
अध्यक्ष महोदय अब इन्हें कोई भरोसा नहीं है और अब हिंदू मुसलमान इस देश में ये नफरत की दुकान अब चलने वाली नहीं है, अब मोहब्बत की दुकान चलेगी। चलिए, और जो ये इंडिया गठबंधन चलाएगा, अंत में इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय मैं केवल इतना ही कहूंगा इस सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कि जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं, जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं, जो अपने जिद पर अड़ते हैं हालात वही बदलते हैं। ये हालात बदलने वाले लोग हैं। आइए 2025 में चुनौती देता हूँ, आप आधे से अधिक लोग लौट के नहीं आओगे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहर। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तु विहार।